हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की जो है वो कंप्लीट वर्किंग बताऊंगा। अगर आपको क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के बारे में कुछ भी डाउट है, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, तो ये वीडियो कम्प्लीट देखिए, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लच प्लेट से। ये जो हमारी क्लच प्लेट है, ये हमारा अशोक लेलैंड 2518 BS4 ईटन गियर बॉक्स की क्लच प्लेट है 15 इंच की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये इसमें हमारे जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है हमारे लाइनर हैं, ये हमारे फ्लाई व्हील के साथ में जुड़े रहते हैं। और ये जैसे हमारी एक टिपर की निकली हुई है, ये जो है कुछ टाइम के बाद में वीर आउट हो जाते हैं। वीर आउट हो जाते हैं तो फिर हमारा गियर वगैरह लगना और गाड़ी पिकअप जो है लेनी छोड़ देती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है रिटेनर प्लेट है। ये जो है जैसे गाड़ी जब हमारी लोड में होती है, लेफ्ट लेती है, राइट लेती है, तब ये जो है सारा लोड जो है हमारा रिटेनर प्लेट लेती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग्स हैं। एक्चुअली ये टोर्शनल स्प्रिंग है। जब गाड़ी हमारी लोड में आती है तो लोड हमारा क्लच प्लेट से रिटेनर प्लेट में आता है, और उसके बाद में हमारा ये सारा लोड जो है हमारी ये टोर्शनल स्प्रिंग बेयर करते हैं। ये जैसे लोड पड़ता है, गाड़ी लोड में लेफ्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, उस हिसाब से ये स्प्रिंग जो है पूरा लोड स्प्रिंग पे आता है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारे टॉर्शनल स्प्रिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस पे हमारा गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट बैठता है। तो ये तो हमारी क्लच प्लेट की वर्किंग हो गई। और ये जो है गाइस, ये हमारी प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट का क्या काम होता है? प्रेशर प्लेट ही हमारी क्लच प्लेट को इंगेज करती है और डिसंगेज करती है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्ट्स देख लीजिए। ये जो होता है, ये हमारा कलेक्टर रिंग होता है। कलेक्टर रिंग के ऊपर में ही हमारी प्रेशर प्लेट बैठती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं। यही जो है कलेक्टर रिंग जो है इसको दबाता है, अपनी हमारी फिंगर्स को। जब फिंगर दबती है तो हमारी क्लच प्लेट जो है इंगेज और डिसंगेज हो जाती है। उसके बाद ये उसका जो है स्प्रिंग है हमारी, ये 3 फिंगर की जो है हमारी प्रेशर प्लेट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी क्लच रिलीज बैरिंग है। ये ऐसे बैठती है। जब हमारा जो है, हम जो हमारा ड्राइवर है वो पैडल प्रेस करता है, पैडल प्रेस करता है, तो उसके नीचे में जो है हमारा क्लच बूस्टर होता है। वो क्लच बूस्टर जो है, ये प्रेशर प्लेट फ्लाया सॉरी क्लच रिलीज बैरिंग को प्रेस कर देता है। ये ऐसे प्रेस हो जाएगा, ये प्रेस होगा तो इसके नीचे में जो फिंगर्स हैं ये प्रेस होंगी, और उसके बाद में हमारा जो है क्लच प्लेट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है हम गियर्स लगा सकते हैं। और उसके बाद में जब ड्राइवर पैडल छोड़ेगा तो ये वापस आ जाएगी, तो ये फिंगर जो है ये उठ जाएगा, और उसके बाद में हमारा जो है क्लच प्लेट दोबारा से इंगेज हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ में दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्लच इंगेज और डिसंगेज एक्चुअल में होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 फिंगर्स होते हैं। ये जो हैं हमारे फिंगर्स हैं। अब ये दिख रहे होंगे आप, ये जो हमारा कलेक्टर रिंग है, जब हमारा रिलीज बैरिंग जो है प्रेस करता है इसको, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये फिंगर जो है ये अटैच है हमारी, इसको हम प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं। इस पूरे को प्रेशर प्लेट असेंबली बोलते हैं, इसको हम ओनली प्रेशर प्लेट बोलते हैं। कई फेस प्लेट भी बोल देते हैं, कई फ्रिक्शन प्लेट भी बोल देते हैं। तो ये फ्लाई जो हमारी फिंगर है, ये फिंगर इसके साथ में लिंक है, ये जुड़े हुए हैं वाया पिन। जब हम इसको अभी ओपन करेंगे तो मैं आपको अंदर के पूरे पार्ट्स बताऊंगा, इसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फ़िलहाल आप ओवरऑल प्रोसेस जान लीजिए। जब ये अंदर प्रेस होगा तब ये क्या है, जो हमारी प्रेशर प्लेट है, ये आप देखिए कि ये ऐसे कुछ लगा रहता है। हमारी जो क्लच प्लेट है ये ऐसे जुड़ी रहती है, इसके आगे में फ्लाई व्हील लगा रहता है। तो होता क्या है कि ये हमारी जो प्रेशर प्लेट है ये पीछे की तरफ में हो जाती है, थोड़ा ये पीछे हो जाएगी, तो ये हमारी जो क्लच प्लेट है ये हो जाएगी लूज़। ठीक है, ये लूज़ हो जाएगी, तो इसमें लूज़ कॉन्टैक्ट बन जाएगा इसका और आगे फ्लाई व्हील का। तो क्या हो जाएगा कि हमारा कनेक्शन कट जाएगा
इंजन का व्हील्स के साथ में, ठीक है। तो हम गियर जो है वो प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में जब ड्राइवर पैडल को छोड़ेगा, फिंगर ऊपर की तरफ में उठेगा, तब जो है हमारा ये प्लेट जो है ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ में आ जाएगा और बाय फ्रिक्शन इस हमारी क्लच प्लेट का और फ्लाई व्हील का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा और हमारा कनेक्शन हो जाएगा इंजन का टायर्स के साथ में। तो आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि हमारा जो क्लच प्लेट है वो इंगेज और डिसंगेज कैसे होती है। फ्रेंड्स, अभी जो है हम प्रेशर प्लेट को ओपन कर रहे हैं। प्रेशर प्लेट को हम जो है डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक कूलर बनाना पड़ता है। कूलर से जो है हम प्रेशर प्लेट को पूरा खोलते हैं। अगर हम डायरेक्ट खोलेंगे तो इसके अंदर में जो स्प्रिंग रहते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा स्प्रिंग क्या होते हैं, कितने क्वांटिटी होती है और क्या उसका वर्क रहता है, तो अगर उसको डायरेक्ट खोलेंगे तो उसके अंदर में इतनी टेंशन होती है कि वो झटके से बाहर आ जाएगा और कुछ जो है हमारा मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। जो हमारे मैकेनिक उनको काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको चोट भी लग सकती है। इसलिए हम एक कूलर बनाते हैं, कूलर में टेंशन देते हैं और इसमें हमारे 3 बोल्ट रहते हैं। हम 3 बोल्ट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हम जो है अपने कूलर को ओपन कर लेते हैं और ऊपर की जो प्लेट है वो हम निकाल लेते हैं। तो अभी जो है हम ये इसके बोल्ट खोल रहे हैं और आगे जो है अभी आपको बताएंगे कि इसका पूरा वर्किंग कैसे होता है। फ्रेंड्स, अभी जो है हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं। इसमें जो है हमारी एक मेन पिन आती है और एक छोटी पिन रहती है। मेन पिन को जो है हम थोड़ा ठोक के बाहर निकाल देंगे तो हमारी फिंगर बाहर आ जाएगी, फिंगर बाहर आ जाएगी। और इसके ऊपर में जो है हमारा एक बोल्ट लगा हुआ है। आगे मैं आपको पूरी वर्किंग समझाऊंगा कि बोल्ट कैसे काम करता है, फिंगर सेट कैसे करते हैं और हमारा पूरा क्लच सेटिंग जो है, फिंगर सेटिंग कैसे होता है, वो हर चीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स। अभी जो है ये जो नट आप देख रहे हैं, ये नट में जो है हमारा फिंगर एडजस्ट होता है। जहाँ पे नीचे होल देख रहे हैं आप, वहाँ पे हमारा फिंगर लगेगा। जो ऊपर नट लगा हुआ है उससे हम अपनी फिंगर को एडजस्ट करेंगे। अभी जो है हम अपने फिंगर लगा रहे हैं। ये जो हमारी फिंगर है इसमें 2 पिन रहती हैं। एक पिन में जो है हमारा बोल्ट है वो टाइट होता है और दूसरी पिन में जो है हमारी फिंगर फ्रेम के साथ में लग जाती है। अभी जो है हम छोटा वाला जो है जो पिन है वो लगा रहे हैं। थोड़ा हम इसमें ग्रीस लगा देते हैं ताकि जो है बीच में फ्रिक्शन ना हो और जो फिंगर है हमारी आसानी से मूव करे। इसमें हम ग्रीस लगा के अभी जो है हम उसको फ्रेम में फिट कर देंगे। ये हम उसको फ्रेम में फिट कर रहे हैं और अभी जो है इसमें हम बड़ा वाला पिन जो है वो हम इसमें लगा देंगे। इसमें जो है हमारा दोनों साइड में जो है डबल वाशर आती हैं, डबल वाशर आती है और जो है डबल लॉक आता है, उसको हम लगा देंगे जिससे हमारा फिंगर पूरा सेट हो जाएगा। और हम इसी तरीके से जो है हमारी बाकी 2 फिंगर्स को लगा देंगे। ये हम जो है इसमें बड़ा वाला जो पिन है वो हम डाल देते हैं और इसके जो है जहाँ पे ये हमारा हाउसिंग है, जहाँ पे फिंगर हमारी रहती है, इसके अंदर में 2 बेयरिंग रहती हैं। ये बेयरिंग जो है हमारी प्रेशर प्लेट के साथ में आती है और ये बेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये बेयरिंग निकल जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि लगाने के कुछ टाइम के बाद में हमारी क्लच इंगेजिंग में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। वो बेयरिंग होना, निडल बेयरिंग रहता है, वो बेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो है हम अपने बाकी 2 फिंगर को सेट कर लेंगे। अभी जो है हमने इसमें फिंगर्स लगा दिए हैं और अभी जो है हम इसमें स्प्रिंग्स लगा रहे हैं। ये टोटल इसमें 15 स्प्रिंग्स आते हैं। ये स्प्रिंग का क्या काम रहता है कि स्प्रिंग हमारा टेंशन बना के रखते हैं। जैसे हमारा जैसे हम क्लच प्लेट को प्रेस करते हैं, जब ये फिंगर्स अंदर जाते हैं और उसके बाद में फिंगर्स बाहर आते हैं, तो ये स्प्रिंग्स ही जो है बीच में टेंशन बना के रखता है। और ये टोटल जो है हमारे 3 फिंगर लगते हैं इसमें, जो हमने अभी फिट कर दिया है। और ये आप देखिए फिंगर के बीच में जो है एक नट रहेगा, बोल्ट टाइप का रहेगा, और इसके ऊपर में जो है हमारा नट लगेगा और जिसे हम फिंगर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिंगर को लूज या फिर जो है हम इसको टाइट करेंगे। ये अभी हम जो है इसके ऊपर में इसका ऊपर का प्लेट लगा देंगे, इसके बाद में हम नट लगा के हम फिंगर का एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे ये हमारे मकैनिक जो है अभी लगा रहे हैं और उसके बाद में हम इसका फिंगर एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी हमने जो है इसका फिंगर सेटिंग पूरा कर लिया है और ये हमारा एग्जैक्ट जो है वो 2.5 इंच है।
और ये जो है 2.5 इंची होना चाहिए। अगर 2.5 इंच से कम रहेगा तो हमारा जो है गियर इंगेज करने में हमको प्रॉब्लम रहेगी, तो ये 2.5 इंच ही होना चाहिए। अभी जो है हम इसका जो है फिंगर सेटिंग कर रहे हैं। अगर जो है इसमें नट दिया होता है एक, अगर हम नट को टाइट करेंगे तो फिंगर अप होगा, अगर हम लूज करेंगे तो फिंगर डाउन होगा। और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारा मिनिमम 2.5 इंच होना चाहिए। तो अभी हमने फिंगर सेटिंग कर ली है और ये अभी हम इसको फिट करते हैं।